एएमयू में बवाल के बाद एक बार फिर से मधुर तस्वीर सामने आने लगी है। यहां छात्र और पुलिस प्रशासन अधिकारी एक साथ रोजा इफ्तार करते नजर आए। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्रों द्वारा पिछले दिनों सीएए और एनआरसी पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान अपनी जान गंवाने वाले लोगों की आत्मा की शांति के लिए कुरान ख्वानी के साथ ही एक दिन का रोजा रखा गया। इसके बाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने शाम को रोजा इफ्तार भी किया। इसमें छात्रों के साथ ही कई अधिकारी और पुलिसकर्मी भी शामिल हुए। आप लोग भी बैठना है। ये एक हम हिंदुस्तान के छोटे से पार्ट में एक समझ लीजिए एक तरीके से 10-20-50-100 लोगों का एक इफ्तार पार्टी हुई है। ये पूरे देश में आज मुसलमान रोज़ा रखा मुसलमानों ने और उसके अलावा शांति की अपील किया। इफ्तार में हमने सबको बुलाया और यही पूरे देश में हुआ कि जो इस वक्त सिचुएशन हुई और ख़ास करके उन शहीदों के लिए भी दुआ किया गया जो इंतकाल हुआ जिनका चले गए इस दुनिया से और जो लोग घायल हुए हैं चाहे वो स्टूडेंट घायल हुआ है एक्टिविस्ट घायल हुआ है आम नागरिक घायल हुआ या पुलिस ऑफिसर घायल हुआ हम सब के लिए दुआ कर रहे हैं कि उनके घर वालों को अच्छा रखे उनको हिम्मत दे और सही भी हो जाए जल्दी से सही हो जाए जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं जो लोग घायल हैं। एएमयू के छात्रों द्वारा आज बाबे सैयद गेट पर शाम को रोजे इफ्तार किया गया था। उसमें हम लोगों को छात्रों द्वारा प्यार से बुलाया गया। हम लोग वहाँ गए थे और उनके साथ बैठकर रोजा इफ्तारी की। हम छात्रों को धन्यवाद अदा करना चाहेंगे। हम भी शांति चाहते हैं, छात्र भी हमारे भाई हैं और शांति कायम रहे यही हमारी मनोकामना है।